किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा मज़ेदार फजीता पिज़्ज़ा जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। चिकन जो मैंने लिया है एक पार्सा, ये देखें मैंने लंबा लंबा स्ट्रिप्स में ऐसे काट लिया है बारीक बारीक, आप भी ऐसे ही काटिएगा। ये देखें ऐसे आपने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लेते हैं इनको। इसके ऊपर आपको स्पाइस में लगाने जा रही हूँ क्योंकि चिकन को हमने पहले रेडी करके रखना है, इसलिए मैं आपको पहले चिकन बता रही हूँ कि इसको चिकन को कैसे तैयार करना है। यहाँ पर मैंने चाइनीज़ नमक लिया है 1 टीस्पून। यह मसाला इसको बोलते हैं, आप ये बाज़ार से आपको मिल जाएगा कड़ी पाउडर या सालन मसाला। अगर आपको कड़ी पाउडर ना मिले तो आप सालन मसाला यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने सालन मसाला ही लिया है। ये है 2 टेबल स्पून। अगर आपको कड़ी पाउडर नहीं मिल रहा आसानी से तो फिर आप सालन मसाला यूज़ कीजिएगा। अगर आपको कड़ी पाउडर मिल रहा है तो आप कड़ी पाउडर यूज़ कीजिएगा, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब मैंने मसाला इसको लगा दिया है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अभी मसाले को हम चिकन को ये मसाला हमने लगाया है, इसको अब हम 1 घंटे के लिए देखें। चिकन को हमने मसाला लगाया था, चिकन हमारा बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। पूरा 1 घंटा मैंने इसको मसाला लगाया था, ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको पकाने जा रही हूँ। अब इसको पकाने के लिए क्या करेंगे, सबसे हमें पहले एक पैन लेंगे। अब हमने पैन ले लिया, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाल दिया हसबे ज़रूरत। अब इसमें हम अपना चिकन डालेंगे, इसको तैयार करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से पकाना है। चिकन देखिए हमारा पक रहा है, जब तक चिकन हमारा तैयार होगा तब तक मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। ये देखें सबसे पहले हमें चाहिए खमीर का पेड़ा जो मैंने लिया है 200 ग्राम। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। 200 ग्राम मैंने खमीर का पेड़ा ले लिया है। टमाटर लिया मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का, मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। शिमला मिर्च लिया है 1 अदद स्ट्रिप्स में काट ली है। हरी मिर्च ली है बारीक बारीक चॉप की हुई 1 अदद। अंडा लिया मैंने 1 अदद। क्रीम लिया मैंने टेट्रा पैक वाली 2 टेबल स्पून। ऑर्गेनो पाउडर लिया मैंने 1 टेबल स्पून। हमारा गल चुका है, बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। जब चिकन हमारा पक जाए गल जाए तो फिर हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में क्या करेंगे, सबसे पहले टमाटर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। और फिर इसको तेज़ गैस पे पकाना है हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखो 1-2 मिनट तक हमने इसको ऐसे ऐसे पकाना है ताकि हमारी सब्जी भी थोड़ी सी इसमें मिक्स हो जाए और हल्की सी पक जाए। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको हम ठंडा होने के लिए बॉयल करेंगे। इसके लिए मैंने पेड़ा ले लिया है 200 ग्राम का। अब इसको मैं बेलूंगी। बेलने के लिए हमें कुछ किस तरह मैदा भी चाहिए। हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं बेलना है, ये देखें इतना बेलना है कि इसकी रोटी देखें तकरीबन ज़्यादा मोटी भी ना हो और इतनी पतली भी ना हो। देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब ये सांचा जो मैंने अपना ग्रीस किया हुआ था पहले से, ये देखें मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ तो आप भी वो ही तैयार करेंगे। ये देखें अब मैं इसको इसमें ऐसे रखूँगी। ये देखिए ऐसे आप अपने फिंगर्स के साइज को किनारों से सेट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा थंबनेल होता है, इसके साथ हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे सेट। ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह से इसको ग्रीस करना है ताकि हमारा पिज़्ज़ा नीचे ना लगे।
देखिए मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं इसको बनाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। जो पिज़्ज़ा सॉस मैं आपको अपनी पहली रेसिपी में बता चुकी हूँ, ये वो पिज़्ज़ा सॉस है। ये देखिए इसको ऐसे ऊपर अच्छी तरह से ऐसे हम पूरी डो के ऊपर ऐसे लगाएंगे। ये देखिए अब हम फोक के साथ पिज़्ज़ा सॉस लग चुकी है बिल्कुल एक जैसी मैंने लगा ली है। अब हम फोक के साथ इसको कहीं कहीं ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब ये देखिए चिकन जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो हमारा ठंडा हो चुका है अभी। ये देखिए अब मैं इसमें अपना बाकी मटेरियल डालूंगी जो मैंने डाल रखा हुआ था। अंडा जो हमने लिया था एक कद और क्रीम हमने ली थी 2 टेबल स्पून, इसको इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसको हम शामिल करेंगे अपने चिकन में। ये देखिए इसको हम चिकन में शामिल कर लेंगे। हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसको अपने एक पिज्जे के ऊपर ऐसे लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे हमने इसको ऐसे सेट कर लेना है। जब मैंने सारा चिकन मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, अब चीज़ जो मैंने ली थी 200 ग्राम, अब मैंने इसको ये देखिए किलीकश किया हुआ था, अब मैं इसके ऊपर इसको लगा दूंगी। आपकी मर्जी, अगर आप ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं आप ज़्यादा लगा दें। ये देखिए चीज़ लग गई। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म जगह पर रखेंगे। इसको तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब इसको मैं गर्म जगह पर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनो पाउडर भी लगाएंगे चुटकी भर ऐसे। अब इसको गर्म जगह पर मैं रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट जगह पर हो जाएंगे तो बाद में हम इसको ओवन में रख देंगे। 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। मैंने इसको गर्म जगह पर रखा हुआ था, अब इसको मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। 10 से 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना भी मत भूलेगा। दोबारा मिल लूँगी अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद।